हेलो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश पुलिस 2024 के कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। क्या रहेगा कट ऑफ, ये मेरे साथी हैं मिस्टर रवि मस्करे, ये हमारे साथी हैं ईश्वर, और ये हमारे गुरुजी हैं कपिल सर। तो आज चारों लोग मिलकर हमने एक कट ऑफ निकाला है कि क्या रहने वाला है कट ऑफ। काफी बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या है कट ऑफ, और उसी सस्पेंस में लगे रहते हैं, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे। तो आज हमने एक ऐसा कट ऑफ निकाला है, अगर उसको मानकर अगर आप तैयारी कर रहे हो अभी तक, और अगर आपके उस नंबरों को मिलाकर और फिजिकल के नंबर मिलाकर अगर आपके 140 प्लस या 135 प्लस हो रहे हैं, तो आप ओढ़ के चदरा सो जाओ। बिल्कुल भाई, अगर आपके 140 प्लस हो रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड में जाकर देखो कि किसी के कट ऑफ से ज्यादा इतने नंबर बन ही नहीं रहे। किसी के फिजिकल में ज्यादा नंबर आ रहा है तो पेपर में वो उसके बिल्कुल 68 या 70 तक नंबर है। तो आज हमने सबने कट ऑफ मिलकर निकाला है, तो जनरल का कट ऑफ बताएंगे ईश्वर सर। मेरे अनुसार जो जनरल का इस बार जो फिजिकल का 87-13 पे अगर रिजल्ट निकला तो 70 के समथिंग जनरल का कट ऑफ जा सकता है। और अगर देखिए, एक बार मैं सर को रोकना चाहूंगा, 87-13 मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक इस बार क्या किया है न्यायालय ने, जो ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है 27% और 14%, तो सर उस हिसाब से बताना चाह रहे हैं कि अभी क्या है कि कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है कि 27% आरक्षण देना है या 14%। तो इस बार जो कट ऑफ निकल रहा है वो 14% को लेकर निकल रहा है। जो 13% जो रिजर्व रखा है उसमें 13% ओबीसी के कैंडिडेटों को रिजर्व रखा जाएगा और 13% अनरिजर्व के कैंडिडेट को रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा न्यायालय का, तो उसके ऊपर रिजल्ट फिर से वो डिक्लेयर कर देंगे। बताइए सर। वही चीज जो हमारे दोस्त रवि बता रहा था 87-13 का ऊपर, तो इसमें कट ऑफ में जो थोड़ा जो पहले अपन जो अनुमान लगा रहे थे उससे थोड़ा सा बढ़ के कट ऑफ आएगा। कई सारे लड़के जब से एग्जाम दिए वब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मेरा फिजिकल के लिए मेरा कॉल आएगा कि नहीं आएगा। बस एक दौड़ पूरी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पूरा दिमाग नहीं लगा पा रहा अपनी मेहनत में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके 70 के आसपास और आप जनरल कैटेगरी से हो तो अपना 100% लगा दो, क्योंकि एग्जाम में शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए, कई कई बार तो 5-5 नंबर बढ़ जाते और 5 नंबर घट भी जाते। इसलिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, अगर आपके 70 के आसपास है जनरल कैटेगरी से हो तो आप श्योर हो कि 100% मेहनत के साथ तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं जाके आपका आप फिजिकल में अच्छा मार दोगे तो आप फाइनल मेरिट में आने की आपकी पूरी संभावना होगा। अब मेरा दोस्त रवि बताएगा आपको कि आगे किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी पूरी। बताए रवि सर। जैसे कि आप लोगों ने मेरा कई सारा वीडियो तो देखे होंगे, आज भी इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि यदि 70 प्लस नंबर जो है या 70 नंबर मान के चलो जनरल कैटेगरी वालों के है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि 65 प्लस ओबीसी वाले जो है मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस हिसाब से यह बोलना जरूरी है। 55 नंबर एसटी वाले और 60 नंबर के समथिंग जो है एससी वाले, ये बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे उम्मीद है, लेकिन एसटी वालों की मैं देख रहा हूं कि हमेशा जो है हर बार रिजल्ट है हमेशा उनका कम ही जाता है, 54, 55, 57, 60 के समथिंग। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि इस बार एक ऐसा फोबिया बना दिया है उनके मन में कि इतने वर्षों के बाद में एग्ज़ाम हुआ है, वैकेंसी नहीं आई थी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बहुत बच्चे दिल से पढ़ाई किए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जिनने नंबर लाया है वो लाए हैं, और काफ़ी सारे लड़के कहीं इधर उधर सिलेक्शन उनका हो चुका है, और जिनका नहीं भी हुआ है और इतने नंबर जितना हमने अभी कट ऑफ बताए हैं उस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन को पक्का मानिए। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ आपके एग्जाम में नंबर लाने से नहीं होने वाला है, उसके पीछे कारण है कि इस बार 50-50 का चांसेस कर दिया है आपके फिजिकल और एग्जाम नंबर में, रिटर्न में। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके हिसाब से आप इसमें भी मत डरिए कि हमारे फिजिकल में 60 ही आ रहे हैं कि 65 ही आ रहे हैं, लगभग फिजिकल में एवरेज यदि 60 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। क्या है कि बहुत सारे लड़कों का देखने मिलता है कि जो 70-80 प्लस नंबर ला रहे हैं वो लड़के कमेंट कर देते हैं कि मैं तो 85 का फिजिकल मार रहा हूं, मैं तो 90 का फिजिकल मार रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, वो लोग कितने नंबर का मार रहे हैं, आप अपने ग्राउंड में कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, बस इसी बात पे ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद। अब हमारे सर कपिल सर जो कि पीटीएस के उस्ताद है, ये आपको फिजिकल में आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि फिजिकल के चक्कर में कई सारे कंडम हो चुके हैं अभी से, क्योंकि मेहनत इतनी कर रही है जो आप ग्राउंड में, एक बार कैमरा दोस्त बताएगा हमारा, ये सब ये पीटीएस में हम सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारे साथ जो कपिल सर खड़े हैं
कपिल सर जो हमें फिजिकल रूप से हमें ट्रेंड करते, हमें फिजिकल किस प्रकार से करना चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी सावधानियां आपको कपिल सर बताएंगे। धन्यवाद ईश्वर। तो ईश्वर इसमें करते क्या है बच्चे अधिकतर कि क्या बच्चे पहले तैयारी करते नहीं है एंड टाइम पे, अब जाके ये सोचते हैं कि हम एक महीने में कर लेंगे, और इस ज्यादा में या बहुत ज्यादा करने के चक्कर में सबसे मेन चीज होती है कि यहाँ लड़के इंजर्ड बहुत होते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे क्या है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हम अभी इतने अंक लिए आए कि हम महीने भर में इतना कर लें, तो ऐसा नहीं करना है साथियों। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे 100 out of 100 कोई भी बच्चा नहीं लेके आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहे हैं तो वो बच्चे ऐसे हैं कि जो या तो एथलीट से भर्ती हैं या एथलीट खेलते आए हैं बचपन से, जो बहुत अच्छी मेहनत करते आए हैं, वो बच्चे आपके 70+ जा रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आपके 60, 65, 55 इसी अंक के आसपास आपको सब मिलेंगे। तो मैं आपको साथियों एक बात कहना चाहूँगा कि फिजिकल आपको जितना करना है वो तो करना ही है और कर रहे भी रहे हैं हम, लेकिन हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। चाहे आपके कितने भी अंक हो, 55 हो, 60 हो, 65 है, 70, आपको आपका कर्म पहले करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अब ये है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है ईश्वर की कई कई बार 10-10 अंक बढ़ते हैं, मतलब जिस बच्चे की कोई संभावना ही नहीं थी, अगर उसका अचानक से आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाता है, आप सोचे थे मेरे तो 55 नंबर है, आपका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े हो, आपके 65 अंक हो गए और आप तो फिजिकल की तैयारी नहीं की है। तो जो लक और किस्मत होती है वो यहाँ पर होती है। कई कई बच्चों को मैंने ये देखा 10-10 अंक डाउन हुए, 5-5 अंक डाउन हुए, 5 अंक बढ़े हैं, क्योंकि क्या एक अंक से मेरिट से बाहर हो जाता है, किसी का 1 अंक बढ़ जाता है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। जो लक जिसको हम कहते हैं वो लक यही है। तो आपने जो कर्म करना था वो आपने सर ने जो चीजें बताई है ना कि फिजिकल में क्या होता है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में कई सारे तो लॉन्ग जंप में अपना पांव खराब कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि फिजिकल का नंबर देने से इसीलिए 7 गुना इस बार बच्चों को ले रहे, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मारने के चक्कर में अपना पांव खराब कर लेते, क्या बहुत सारी गलतियां कर लेते। इसलिए जो सर कह रहे हैं कि आपको अपना 100% भी देना है और दिमाग से देना है, टेक्निक के साथ देना है, आपको एक टाइमिंग के साथ वर्कआउट करना है, टाइमिंग के साथ रनिंग करना है, उसका पूरा मैंने पहले बताया आपको कि शेड्यूल बनाना चाहिए आपको 5 दिन का पूरा, ऐसा नहीं कि डेली एक ही एक्सरसाइज कर जा रहे हैं तो उसमें इंजर्ड होने का आपको बहुत ज्यादा चांस उसमें बनते हैं। तो हमारा मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमको इंजरी लास्ट टाइम पर। लास्ट में सर इनको ये और बता दो कि फिजिकल की डेट कब तक आ सकती है, क्योंकि ग्राउंड तो बनना तैयार हो गए हैं। देखिए फिजिकल की डेट साथियों ये कोई भी एग्जैक्ट नहीं कह सकता, जिस दिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आ सकता तब तक, सिर्फ एक संभावना है कि 1 हफ्ते में जाएगा या 2 हफ्ते में जाएगा, सिर्फ संभावना है सर, इसकी संभावना नहीं है सर। इस संभावना के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो तैयारी चल रही है हिसाब से पीएचक्यू से आदेश आया था ग्राउंड बनने के लिए, तो हमारा जो फोर्स है वो ग्राउंड बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हो गया है और ग्राउंड धीरे धीरे हम बना रहे हैं। बाकी सर ने बताया कि 1-2 वीक में डेट आने की संभावना है, तो हाँ। बिल्कुल आप श्योर, आप 90% तो मानकर ही चलिए, क्योंकि इसमें जैसे ही मैं बता दूं आप सर, जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा मुश्किल से 10 दिन का भी समय आपको नहीं बिल्कुल सर सही बता रहे हैं, जैसे 2016 में हुआ था सर। हाँ जी, मान के चलिए कि बिल्कुल आपको रिजल्ट आ गया है, उस हिसाब से आप तैयारी करके चलिए, ठीक है। धन्यवाद साथियों, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।